खरगोन जिले में लगातार हो रही बारिश से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं फसलों को भी बारिश का कहर झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते कई किसानों की फसलें चौपट हो गई है। इन्हीं बातों को देखते हुए खरगोन जिला कांग्रेस इकाई द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन, जिला कांग्रेस और विधायक झूमा सोलंकी सहित स्थानीय विधायक रवि जोशी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। किसानों की समस्या बीमे की राशि को लेकर है। निमाड़ के अंदर मुख्य फसल कपास और मिर्च होती है और कपास की फसल को बीमा कंपनियों ने तहसील स्तर का मानक मान के रखा है। हम देख रहे हैं कि जो बारिश हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों की तुलना में जो एवरेज होना चाहिए वो एवरेज को पार करके अधिक हो चुकी है। ऐसी स्थिति में एक एक गांव में 20-25 किसानों की कपास की फसल खराब हो रही है। किसान अपनी बीमा कंपनियों सोसाइटियों के माध्यम से जो बीमा करवाया है, बैंकों के माध्यम से कराया, अपनी फसल खराब फसल की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देते हैं तो पिछले कई दिनों से टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा है, बंद है। ऐसी स्थिति में किसान परेशान था, उसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और भीकनगांव के विधायक आदरणीय झूमा सोलंकी जी, मैं, रेवाराम पाटीदार जी, नथु पाटीदार जी और तमाम हमारे साथियों ने किसानों के साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि किसानों की जो फसल खराब हो रही है उसको तहसील का मानक न मानते हुए खेत इकाई को मानक माने, प्रत्येक जिस किसान की फसल खराब हुई उसका संदेह हो और उसको उसकी बीमे की राशि मिले, हमारा ये प्रयास है। ये राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में आज भाजपा भी इस घंटानाद आंदोलन का शंखनाद करने जा रही है। राज्य सरकार की नीतियाँ अच्छी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, बेरोजगार साथी के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं चालू, जिसमें कि ये बड़वानी जिला है, अलीराजपुर है, धार है, झाबा है, खरगोन है, यहाँ तक जबरदस्त सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर का जो असर हो रहा है, खूब धमाके हो रहे हैं और काफ़ी मतलब हलचल मची हुई धरती में, ज़मीन में, और काफ़ी परिवार तबाह हो रहे हैं। और ये हठधर्मिता ही कहेंगे, केंद्र सरकार की जो विचार नहीं कर रही है और बांध की हाइट कम नहीं कर रही है, बांध के गेटों से पानी रिलीज नहीं कर रही है, करना चाहिए जो हम लोगों की इसकी आवश्यकता जरूरत है। कल मनावर में कोई धमाके की आवाज़ का मामला था? बिल्कुल, बहुत तेज गति से हमारे यहाँ पर जो मेरी विधानसभा के जो राजपुर के उमरिया है, साकड़ है, मंदिर है, भमोरी है, बिलवा है, खूब धमाके बहुत तेज गति से धमाके आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका बहुत असर हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है और इसी कारण से हम सबकी मांग पर ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे हैं और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी है और जो हम लोगों की जरूरत भी है। अतिवृष्टि को लेकर कोई कैबिनेट में बैठा था? देखिए, हमारे दोनों विधायक जो हमारी जिलाध्यक्ष विधायक भी, हमारी सेकंड टाइम की श्रीमती जी जो कांग्रेस पार्टी की खरगोन जिले की जिलाध्यक्ष भी है, आदरणीय हमारे रवि भाई जोशी भी हैं, आप अभी सब ने किसानों के हम लोगों को आगे आने वाले समय की जो आने वाला जो संकट जो दिख रहा है उस कारण से हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है और इससे संबंधित जो किसानों को एक राहत मिल सके, निजात जो मिल सके, इससे केंद्र सरकार से संबंधित जो हमारे दोनों विधायकगणों ने, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जनता जनार्दन ने जो ज्ञापन दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब सारी चीज़ें किसानों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर ही रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से अभी जो प्राकृतिक आपदा आती हुई जो दिख रही है, इसलिए हमारे ये सब विधायक साथियों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया, जिससे कि सरकार, केंद्र सरकार तक हम इस प्रस्ताव को भेजेंगे और जो केंद्र सरकार से संबंधित वो केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार से संबंधित तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन किसानों पर किसी भी तरीके का संकट, आर्थिक संकट या प्राकृतिक विपत्ति के कारण ये संकट से हम किस तरह से निजात दिलाएं, इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।